सन प्रोटेक्शन लगाएंगे तो इससे भी बचाव होगा। मैम ये जो आपने बताया अभी उसके लिए न्यूट्रिशन की जो क्रीम लगानी है नहीं एवरी डे, मैं दो से तीन बार कह रही हूँ, जब जब मौका मिले लगाने। कंसिस्टेंट लगाया कंसिस्टेंट लगाया आप ये शोर हो उन्होंने दिया उस टाइम से दिया लेकिन उन्होंने देखो मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि जब भी आप किसी को स्किन केयर रिकमेंड करें स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए है पहले ही कह दे कि इसको आपको 6 महीने से 1 साल कंसिस्टेंट लगाना है। अगर सामने वाला उस एफर्ट को करने के लिए तैयार है तो उन्हें गाइड करें, अदरवाइज इस तरीके की समस्या आएगी। पिगमेंटेशन स्लो रिलीफ मिलेगा लेकिन अगर पिगमेंटेड स्किन में भी केवल CTMP किया जाए और हफ्ते में स्क्रब और पैक किया जाए हर स्टेप पिगमेंटेड स्किन को फायदा देगा क्योंकि जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं स्क्रबिंग करते हैं वो भी पिगमेंट को फायदा देता है। आप पैक लगाते हैं नीम एंड रोजमेरी फेस पैक है उसमें पिगमेंटेशन के लिए बेनिफिट है। हमारे पास मूर करके प्रोडक्ट है वो पिगमेंटेड स्किन पे काम करता है। जब आप मल्टीपल जब आप पिगमेंटेशन के लिए नहीं लगा रहे बट आप CTMP की आदत तो बनवा सकते हैं इनको वो तो स्किन टाइप के हिसाब से जो उनका स्किन टाइप है उसके हिसाब से फेस वॉश स्किन केयर हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से रिकमेंड कीजिए। ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट कॉमन है वो व्हाइटनिंग क्रीम बीच में डाल दीजिए। हाँ अगर मुझे लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन काफ़ी टैन है तो एक बार में जैसे आपको 19-20 का फर्क दिखता है और जब आप लगातार 4 टाइम लगाते हैं उसको हफ्ते भर हफ्ते तो आपको काफ़ी फर्क अपने वीक लगा सकते हैं फेस पैक। आप इसी प्रोडक्ट रेंज के साथ अपना 1500-2000 रुपए वाला फेशियल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप टोनिंग कीजिए रिजन फेशियल करना है आप सॉरी क्लेंजिंग कीजिए क्लेंज करने के बाद आप सबसे पहले डीटान फेस पैक लगा लीजिए ठीक है हाँ क्लेंजिंग के बाद क्लेंज करने के बाद डीटान लगा लीजिए। डीटान कितनी देर लगाएंगे 20 मिनट लगाएंगे सो 5 मिनट क्लेंजिंग के 20 मिनट डीटान के 25 मिनट हो गए। डीटान को गीला किया गोला रिमूव कर दिया उसके बाद एक्सफोलिएशन कर लीजिए। एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रबिंग कर लीजिए 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग किया स्क्रबिंग करने के बाद फेस को वापस से क्लीन किया फिर क्या करेंगे मसाज कर लीजिए। मसाज कौन सी क्रीम से कर सकते हैं शिया बटर फेशियल क्रीम से कर लीजिए ठीक है। 15-20 मिनट की मसाज तो खुद से कर सकते हैं 15 मिनट की तो कर सकते हैं है ना। 15 मिनट का खुद से मसाज किया और 15 मिनट की मसाज के बाद क्या कीजिए और ये स्किन है तो नीम एंड रोजमेरी फेस पैक लगा लीजिए। आपको एंटी एजिंग बेनिफिट चाहिए तो ऑरेंज पील और वाइट क्ले फेस पैक लगा लीजिए फिर 20 मिनट के लिए फेस पैक को छोड़ दीजिए फिर उसको रिमूव कीजिए बस उसको रिमूव करने के बाद आपका हो गया। सो ये दो फेस पैक के साथ आपने जो एक्सपेंसिव वाला फेशियल है वो उससे भले आपकी स्किन में बहुत फर्क आपको दिखाई देगा तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप फेशियल करा लेते हैं और अच्छी मसाज ले लेते हैं तो उसमें आपको और फायदा दिखाई देगा। तो उस आदत को कोशिश कीजिए कि 15 दिन में एक बार अच्छे से करें और एवरी डे 10 मिनट अपने लिए जरूर लगा लें। हाँ तो मैंने दो फेस पैक डलवा दिए ना आपको वो टैनिंग क्रीम हाँ टैनिंग सो ब्यूटी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कॉन्फिडेंस के साथ होता है मानते हैं सब लोग क्योंकि हमें पता है ना जिस दिन हम खूबसूरत दिखते हैं तो हमारा जो कंधे हैं वो और चौड़े हो जाते हैं ना। सो ये है जब आप इनफैक्ट अगर आप मोदी केयर सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं और जब आप ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं या लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो ऑफकोर्स सामने वाला पहले उम्मीद करता है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं तो वो जरूर आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो इसीलिए इस आदत को जब आप बनाएंगे तो आप बहुत फायदा पाएंगे ठीक है। और ये किसी के लिए नहीं आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है ये आदत तो इसीलिए मैंने कहा था म्यूचुअल बेनिफिट पर बात करेंगे। और मेन भी अगर स्किन केयर करते हैं तो आप भी बहुत फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल महिलाओं के लिए ये अच्छी आदत मेन मेंबर्स के लिए भी है। सो इसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट रेंज है अर्बन कलर की। अर्बन कलर आपने ट्राई किया किसी ने लिपस्टिक लगाया है अर्बन कलर जो प्रोडक्ट रेंज है हमारी ये कलर बार आपने ट्राई किया कभी रिटेल का मेकअप का ब्रांड है अच्छा फील किया और ट्राई किया हो। सो ये द सेम मैन बिहाइंड इज अर्बन कलर एंड सेम मैन बिहाइंड कलर बार जिससे जमीन मोदी जी हाँ
सर की फोटो भी देखी मैंने यहाँ. सो समीर मोदी जी ने ही शुरुआत की थी कालाबार की, और उन्होंने ही मोदी केयर की शुरुआत की थी, और अर्बन कलर को भी मिस्टर मोदी लेकर आए हैं. सो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट रेंज है जो कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आती है. ये तो आप सब जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आता है. सो ये जो प्रोडक्ट रेंज है, इस प्रोडक्ट रेंज में फेस मेकअप, आई मेकअप, लिप मेकअप और नेल मेकअप अक्रॉस ऑल फोर कैटेगरीज प्रोडक्ट है. फेस मेकअप में प्रोडक्ट से हमारी क्या उम्मीद होती है? फेस मेकअप में उम्मीद होती है कि हमारी जो जो स्किन केयर करने के बाद भी जो थोड़े थोड़े फ्लॉज रहते हैं उन्हें हम कवर करते हैं, ठीक है. और एक सर्टेन एज के बाद तो हमें चाहिए ही होती है कवरेज. क्यों चाहिए होती है? क्योंकि स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं. पर आप स्किन केयर करेंगे ना, और स्किन केयर करने के बाद मेकअप लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका मेकअप ज़्यादा खूबसूरत होगा. कभी आप ये घर पे करके देखिएगा, कभी आपका हाथ ड्राई तो होती है स्किन, एक हाथ को अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए और एक हाथ को कुछ मत लगाइए. एक जिस हाथ में मॉइस्चराइजर लगाया उस पर फाउंडेशन लगाइए, और जिस पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, जिस पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाया उस पर फाउंडेशन लगाइए, आपको फर्क दिखाई देता है. जिस पे मॉइस्चराइज किया है उसमें कोई क्रैक्स नहीं दिखेंगे, जहाँ मॉइस्चराइज नहीं किया वहाँ क्रैक्स दिखेंगे. आपने देखा ब्राइड दुल्हन, दुल्हन को हम क्या कहते हैं? शादी वाले दिन हो रही है और बड़ी सुंदर लग रही है, सब कहते हैं ना हम लोग ये. हाँ, क्यों सुंदर लगती है दुल्हन शादी वाले, बताइए. एक तो होता है हमारा प्यार कि हमें दिख रही है, बहुत अंदर का जो अंदर का व्यू कौन सा होता है, जो खुशी का व्यू होता है, और कौन सा व्यू होता है एक दुल्हन इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि 15 दिन पहले प्री ब्राइडल होता है, होता ही नहीं होता. जब इतनी रगड़ाई होगी स्किन की तो वो साफ हो जाएगी, तो उस खूबसूरत स्किन में फिर जब मेकअप करेंगे, ये प्री ब्राइडल का होता है. सो प्री ब्राइडल, अब मैं और आप जब शादी के बाद शादी में जाते हैं तो हम 15 दिन का प्री ब्राइडल नहीं करते हैं, बट आप एक रात पहले स्क्रब पैक कर सकते हैं. अगर आप एक रात पहले स्क्रब पैक करें और जाने से पहले भी अपना CTMP अच्छे से करें और CTMP के बाद मेकअप लगाएं, तो आपके मेकअप में जमीन आसमान का फर्क है. CTMP जब स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उसमें ऑयल्स रहेंगे तो फाउंडेशन आसानी से मर्ज हो जाएगा. ड्राई स्किन पे फाउंडेशन क्रैक्स के जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है. हमेशा ये गलती कभी भी ना करें, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करें. थोड़ा सा फेस मेकअप का नियम है, हमेशा फेस मेकअप का रूल है थोड़ा मेकअप, ठीक है. अब हम गलती क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला प्रोडक्ट आता है प्राइमर. प्राइमर लीजिए, ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब उससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता हो सकता. मैंने कॉम्पिटिशन के कई प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं मोदी कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 2000 रुपए का प्राइमर भी ट्राई किया है, और हमारे प्राइमर में और उस प्राइमर में जमीन आसमान का फर्क है. हमारा प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा लगता है, और जिन्होंने नहीं ट्राई किया मैं उन्हें जरूर ये ट्राई कराना चाहूँगी. किसने नहीं ट्राई किया? पहले तो थोड़ा सा दूंगी आपको, बहुत थोड़ा सा, ठीक है. और किसने नहीं ट्राई किया ये? आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, ये मैं भी लगाते हैं, मिस्टर मोदी भी लगाते हैं ये प्रोडक्ट. और किसने नहीं ट्राई किया? आप इसको हल्के हाथ से आप स्प्रेड कीजिए. मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है जूसी के लिए सब. ये जो प्रोडक्ट है पहले तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए इसे कोई भी लगा सकता है. मैंने भी इसलिए लगा सकते क्योंकि इसमें कलर नहीं है. ये प्रोडक्ट का काम क्या है? गर्मियों में आप देखते हो या कई बार हम अगर समर्स की शादियों में जाते हैं किसी की जो बहुत स्वेटिंग होती है, सब पसीना आता है, ये इमीडिएटली आपका स्वेट और ऑयल अब्सॉर्ब करता है. तो अगर किसी का बहुत ऑयली स्किन है उसको आप आधे चेहरे पे लगाइए, आपका सूरज फर्क दिखाई देगा.
गर्मियों के मौसम में अपने आधे फेस पे लगा के दिखाइए, तुरंत फेस मैट हो जाएगा और इधर फेस ऐसी चिकना और ग्लॉसी। सिल्की वेलवेटी है, स्किन को बहुत ही वेलवेटी फिनिश देता है। आजकल हम लोग पीओपी कराते हैं वॉल्स पे, पेंट प्लास्टर के ऊपर पेंट नहीं करते हैं। क्या फर्क दिखाई देता है दोनों दीवारों में? स्मूथनेस का फर्क दिखाई देता है। सेम फर्क आपको प्राइमर और बिना प्राइमर के मेकअप में। जब आप प्राइमर लगाते हैं तो आपकी स्किन इवन हो जाती है, इवन। फिर जब इसके ऊपर से फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन इवन आता है, ठीक है। तो प्राइमर, और ये बहुत थोड़ा लगता है ना, बहुत थोड़ा सा दिया है आपने, उसे स्प्रे किया तो अच्छा खासा कवरेज मिला। तो थोड़ा सा नाक पे स्किन पे यहाँ लगाइए और उसको स्प्रे करिए। आंखों के नीचे किसी किसी को बहुत ऑयल आता है वो लगा सकते हैं, तो इसको आप बिना मेकअप के भी डेली लगाया जा सकता है। और ये मेन मेंबर भी लगा सकते हैं। और प्राइमर कब लगाया जाएगा? आपके सीपीएमपी के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, आपको फुल कवरेज चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, तो इसके बाद हमारे जहाँ तक गड़बड़ है वहाँ हम कंसीलर। तो कंसीलिंग के लिए आप 3-in-1 मेकअप बेस आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो 3-in-1 को आप रोज रेडी टू यूज मेकअप के तौर पे कर सकते हैं। एवरीडे मेकअप में हम हल्का प्रोडक्ट लगाते हैं, और जब शादी में जाते हैं तो हम प्रॉपर कवरेज करते हैं, राइट। ये फर्क होता है। और जैसे यंग स्किन है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है कॉम्प्लेक्शन में ज्यादा, वहाँ 3-in-1 मेकअप काफी है कम्प्लीट कवरेज के लिए। इसके अंदर 3-in-1 का मतलब क्या है? फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, तीनों चीजें, ठीक है। जहाँ स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉपर मेकअप ही करना चाहिए। अब यंग स्किन, एक मिनट आओगे सर, अब ये देखो, ये यंग स्किन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्शन इवन है, तो ये 3-in-1 काफी है शादी के लिए भी। बट जब हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्कलरेशन आ जाती है, एजिंग होती है, तब हमें कंप्लीट कवरेज चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट 3-in-1 है, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट। इसको जब आप लगाओगे तो क्रीमी है, जैसे ही आप स्किन पे लगाओगे मैट हो जाएगा। इसके अंदर स्पॉन्ज होता है नीचे, अभी ऑल स्किन है, और फेस मेकअप हमेशा ऑल स्किन के लिए होता है, ठीक है। ये स्पॉन्ज को पानी में भिगोइए, निचोड़िए, 3-in-1 को लीजिए, फिर डैब कीजिए मेकअप को, जितना हो सके ना डैबिंग मोशन में, ठीक है, डैबिंग, ठीक है। जब आप कंसीलिंग के लिए कर रहे हैं तो कंसीलिंग हम सब जानते हैं कैसे करते हैं, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां कंसीलर को, तब ये कंसीलर बन जाएगा प्रॉपर मेकअप पे, ये कंसीलर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कलर्स है, आप अपनी स्किन के अनुसार कलर का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेप फाउंडेशन का। फाउंडेशन में जैसे मैंने आपको कहा कि फेस मेकअप में एक ही नियम है, लगाइए सारे प्रोडक्ट, लेकिन नियम है प्रोडक्ट कंजूसी से लीजिए, दोबारा ले लीजिए और जरूरत पड़े, क्योंकि हम क्या करते हैं जब वो ज्यादा निकल जाता है ना, वो फेंकू कैसे, मेरा दिल दुखता है, तो फेंकने की बजाय उसे चेहरे पे लगा देती हूँ, और फिर वो फायदे की बजाय नुकसान होता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कितना लेना है? इससे ज्यादा नहीं लेना, इतना ही लीजिए शुरुआत में, हाँ ज्यादा जरूरत पड़े दोबारा ले लीजिए। क्या करना है? लेना है जहां जहां चाहिए आंखों के नीचे, आप देख रहे हो मैं क्या कितना कितना लगा रही हूँ, बहुत थोड़ा लगा रही हूँ। इस तरीके से चेहरे पे हर जगह अपनी स्किन के अनुसार, फिर आपको 4 fingers लेनी है डैबिंग से। प्रोडक्ट कुछता नहीं है, अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है, और जब मॉइस्चराइज स्किन होती है तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से अच्छे से सेट हो जाता है। मैंने डैब कर लिया, सेट हो गया, कहीं भी नहीं दिखाई देगा जब आप इसे डैब करोगे। और इसके बाद फाउंडेशन किस लिए लगाया जाता है उसके बारे में, फाउंडेशन लगाया जाता है हमारे चेहरे को एक समान दिखाने के लिए, इवन टोन करने के लिए। तो फाउंडेशन कभी भी स्किन कॉम्प्लेक्शन से एक कलर गोरा नहीं होना चाहिए। कई बार हम ये गलती करते हैं कि एक शेड लाइटर प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो ब्लंडर है। हमेशा आप अपनी स्किन से एक शेड डार्क ले सकते हैं, लेकिन लाइट कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चौकी दिखता है आपके चेहरे, ठीक है। सो हमेशा कोशिश करें कि अपने स्किन से मैचिंग कलर है। फाउंडेशन का काम है इवन दिखाना, लेकिन फाउंडेशन अधूरा स्टेप है। कई लोग क्या करते हैं, या तो खाली फाउंडेशन लगा लेते हैं या खाली कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं, नहीं। फाउंडेशन का काम है इवन करना, और फाउंडेशन के ऊपर से क्या लगाया जाता है, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन के ऊपर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है कॉम्पैक्ट? क्योंकि कॉम्पैक्ट का काम है फाउंडेशन को सेट करना। फाउंडेशन को सेट करने का काम कौन करता है? कॉम्पैक्ट। तो अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं लगाएंगे और फाउंडेशन अधूरा दिखाई देगा।
फाउंडेशन के ऊपर से कॉम्पैक्ट को लीजिए, रूल वही है, ब्रश से भी ले सकते हैं, पफ से भी ले सकते हैं, रूल वही है प्रोडक्ट को थोड़ा लेना, ठीक है। थोड़ा लेने के बाद जब आपने कॉम्पैक्ट को लगाया तो कॉम्पैक्ट ने आपके फाउंडेशन को सेट कर दिया, ये फर्क आपको दिख रहा है, हल्का सा इवननेस का फर्क दिख रहा है, कैन यू सी, बहुत माइनर, दूर से कम दिखेगा, पास वालों को थोड़ा ज्यादा दिखेगा। सो ये फर्क आएगा, आपका जो फेस है वो इवन आउट हो जाएगा। रूल क्या है, कम लेना है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग ब्लश नहीं लगाते हैं फेस में, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट अप्लाई ब्लश। लेकिन जब आप ब्लश लगाते हैं तो फाउंडेशन में अगर कोई फ्लॉ है ना, वो छुप जाता है। जैसे ही आपने ब्लश लगाया, ब्लश लगाने का बड़ा सिंपल सा रूल है, या तो फिश फेस बना लीजिए, ये जो हड्डी है, टेम्पल्स है, इसको हाईलाइट करना होता है। लेकिन ब्लश कभी भी एक तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से ऊपर नहीं आना चाहिए, और मतलब बेसिकली आपकी आंखों के नीचे नहीं आना चाहिए। ब्लश का एरिया केवल इतना रहता है, ठीक है। सो आप ऐसे एरिया में ब्रश लीजिए, कलर लगाइए, फिर खाली ब्रश को घुमाइए वो, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आसानी से स्किन में सेट हो जाता है। ब्लश और आई शेडो का कलर एक बार लगाते ही आ जाता है, कई प्रोडक्ट में नहीं आता, कई प्रोडक्ट में क्या होता है, पैच हो जाता है। और अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो कि ज्यादातर लोग नहीं होते हैं, अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो पैच डील नहीं कर पाती है, मेकअप फिर खराब हो जाता है, फाउंडेशन कुछ जाता है। हमारा प्रोडक्ट आसानी से स्किन में स्प्रेड हो जाता है, एडेशन उसका अच्छा है, आई शेडो एक ही बार में आ जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो, ट्राई किया आपने आई शेडो मुझे कहता नहीं किया, ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिए, और फिंगर पे लीजिए और अपनी उंगली पे, हाथ पे लगा के। आपने मार्केट के आई शेडो ट्राई किए किया है ना, हाथ पे लेके, कभी हाथ पे लगाया उसे, लगाया स्प्रेड करके देखा है, इसको स्प्रेड करके देखिए आप, एक ही बारी में कलर स्प्रेड होता नहीं होता। अब इसको अपनी स्किन पर स्प्रेड कीजिए, आया ना कलर एक बारी में। ये पाउडर बेस्ड है, इसको आप वेट एंड ड्राई दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। आप ब्रश को गीला करके इसको लगा सकते हो, ये वेट में भी लगाया जा सकता है। इसमें चार कलर है और हल्के से शिमर के साथ में, जैसे आपको शिमर वाला मेकअप भी है, लेकिन ये सॉफ्ट शिमर है। आप ब्रश को गीला करके लगाएंगे, हल्का सा निचोड़ के गीला, तो ये डार्क हो जाएगा कलर, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो सॉफ्ट कलर, ठीक है। और चारों कलर्स बड़े इसमें, ये बेसिकली वो है आपकी स्मोकी मेकअप वाली पैलेट है, तो इसमें दो पैलेट आनी है। ब्लैक कलर, नॉर्मली काला जो रंग है वो आसानी से इस्तेमाल, मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको काला रंग इस्तेमाल करने में बड़ा डर लगता है, लेकिन जिसका जो ब्लैक है वो बड़ा अच्छा स्प्रेड है, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ब्लैक वैसे हमेशा थोड़ा लगाना चाहिए, ज़्यादा कलर के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, और खासियत ये है कि अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप अच्छा मेकअप इस प्रोडक्ट रेंज के साथ कर सकते हैं। बहुत सुंदर आता है आई शेडो, लगा के जरूर देखिएगा, दो शेड्स को आप कभी लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा। दो दो कलर्स ट्राई किए आपने, कैसे लगाते हैं, मैं एक डेमो देख दे रही हूँ।